किसी सबील ला ली पानी की, हराम हो गया, ये तो नहीं पीना पानी। मैं क्या की होया, ये शीह की सबील है। तो मैं क्या चूड़िया का पानी पी लेंगे हो, कोई शर्म गैरत आई बिच मौलवियों में जो आ जरा पानी पीते ने इसराइल का, उत्थे कोई आख्या जब नहीं पीना चाहिए, बोलो तो सही। वह बोलो की हो गया तुहानू, कहती आख्या फतवा मौली साहब पूरा जुमा लाया हो यार, ये इसराइल का पानी असं इसराइल की मसनुआत का बाइकाट करो, असं नहीं पीना। वो तेनों लंघता है, वह तो फैशन समझ के पीना है। तो हुसैन के उत्ते किसी का कब्जा तो नहीं, पीए शीह की सबील है जी, सुनिए सबील वो जी शीह की सबील तो ना पिया करो। तो मैं क्या मर जाओ तुम लाद नहीं, मैं तो मरो तुम भी लाओ ना पता लगे। मैं अपने घर पांच मन दो की सबील लाइए मौला हुसैन की, मैं किसी पूछना भी मौली जी लाइए कि ना लाइए, मौली जी फतवा दियो लाया कि नजायज ना हो जाए, तू सारे काम बाकी जायज कर ले। सबील मौला हुसैन की हो, उससे पानी पियो। लेकिन कोशिश ये करो कि हुसैन का ही समझ के पियो, हाय हाय हाय, सिर्फ हुसैन का समझ के पियोगे, कोई गुनाह नहीं। वो भाई है कि सिखा सबीला ला छड़िया ने, सिखा ने हूँ दसो ग्राउंड उतो पीता है मुसलमाना ने, उधर मौली जी वालों फतवा लाओ जरा। उन्हें आख्या जी हुसैन सब का साझा ही है, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। और जाते हुसैन पे किसी के जारादारी नहीं, कब्जा नहीं है हुसैन का, कायनात पे कब्जा है। इस बात सुनियो तो आखांगा मैं, सबसे बदबख्त शख्स वो है, सबसे बदबख्त असरे हाजर में सबसे बदबख्त, मेरे ना इतफाक करने मौली साहब मेहमान जी वकार इतफाक करेंगे, सबसे बदबख्त इस वक्त वो शख्स है जो यजीद की हमायत कर रहा है। दरअसल यजीद की हमायत तौहीन हुसैन है, वो नहीं समझे गल, यजीद की हमायत तो जड़ी ये तौहीन हुसैन है। इस वास्ते जो तौहीन हुसैन करता है वो कुरान की नस का मुनकर है, तो जरा कुरान को मानता है ना जी वो हुसैन को मानता है, और जो हुसैन को मानता है वो कुरान को मानता है। कुरान और हुसैन दो चीज़ अलग अलग नहीं है, दोनों चीज़ लाजम मलजूम है। फरमाया वा तासिमु बिहब्लिल्लाह जमीया, अल्लाह की रस्सी मजबूती ना पढ़ो। या रसूल अल्लाह कौन फरमाए, मैं मेरा कुरान से मेरी इतरत मेरी अहले बैत, कुरान से अहले बैत हौज़े कौसर तक जुदा नहीं होंगे। यदा मतलब एक जिथे हुसैन उथे कुरान, जिथे कुरान उथे हुसैन, कुरान जुदा नहीं। और जरा कुरान हुसैन ने बचाया, एक एग्जाम्पल लिखा दो जब एक दिखाओ कोई जिन्हें पुत्र भतीजे भांजे हर शह कुर्बान कर देती हुए कुरान की खातर इस्लाम की खातर। मैंने पता होने मैं शेर पढ़ाँगा तुम्हारी तबीयत भाग भाग हो जाएगी, बड़े खुश होवोगे तुम। ए मसले एक दो सुन वाले बस एक दो मिनट अंदर फिर तुम्हारे जौकल पास आ जाएगा। आप वादा कर रहे हैं तो मैं चूंकि पाकिस्तान के हर शहर वादा करा रहे हैं, थोड़े को भी कुरान लगा हुसैन नालों के यजीद नालों नहीं। बंदे बोले बोले कोई नहीं सारे, ये बड़ा ईमान का मसला है। ईमान सुनो, ईमान का मसला है, ईमान का मसला है। हुसैन नालो के यजीद नालो हूँ बांध चुको जरा, हुसैन नालो के यजीद नालो जरा, हुसैन नाल जरा बांध चुके बनो खाए थले नहीं करनी बांध, ताकि मैं वेखा जरा कैमरा बजे सर हर पास है। हुसैन नालो जो हुसैन के साथ है बाजू बुलंद करे जरा, एक बंदा मैंने विखाओ मौली जी जरा आखे मैं यजीद नाल, एक विखा दो मैं चुको जरा चुक। रब वेख रहा है, रब दे रसूल वेख रहे ने। हुण पढ़ो कलमा शरीफ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असी रहना हुसैनी होके, हाँ हाँ मरना हुसैनी होके, उठना है हुसैनी होके, बेशक। और हमने किसी यजीदी मौलवी की तकरीर भी नहीं सुननी, ने नंतकरानी ना सुननी है, वादा है जे सुनी कराई ते तो गुनाह होना, जे हजूर की बारगाह मुजरम होवो के तुसीं उदे मोबाइल के उत्ते जनाब उन्होंने लाइक भी नहीं करना। ये मेरा मसला है बड़ा वड्डा, गुलाम गौस साहब जरूरी पेश करना चाहना, बाकी तुहाडा जौक हो जाएगा। उदी तकरीर नू लाइक भी नहीं करना, वेखना भी नहीं। अगर अगर तेरे लाइक करने से अगर उसको थोड़ा सा एक राई के दाने के बराबर भी फायदा हो गया तो समझ लेना तेरा नाम यजीदियों में लिखा गया। तेरी वजह से उसको फायदा ना पहुंचे तारीख यजीदियत को, इसलिए मेरा ये हक था मैंने आपके सामने रख दिया, आपसे वादा ले लिया है। आगे तुसी जानो अल्लाह रसूल जान, मैं तेरे को वादा लिया, मैं हुज़ूर दी बारगाह दे अंदर सुरखरू हो गया। तो फरमाए
कलमे का सिला नहीं मंगता बजूज इसके कि इल्ल मवद्दत फिल कुरबा या सुला सब तो करीबी कौन ने हूँ फटाफट चलीए कि ये फिर बड़ा बड़े रोने ने ना की करिए और हूँ तो वैसे ही डर हों भी कैसा वक्त आ गया जो तो यजीद ही भी खुलम खुलम आया तो लग पी कैसा वक्त आ गया कैसा खतरनाक वक्त है तो बहरहाल सहाबा ने पूछे सुने सब तो करीबी कौन है फिर मैं काला अली हो वल फातिमा तो वलदहुमा पर मैं सब तो करीबी मेरा अली मेरी फातिमा मेरा हसन मेरा हुसैन हुसैन नहीं बंदा बोलेगा जोर सुभान अल्लाह जितना बड़ा करोड़ है जितना बड़ा मजमा है चोर साहब ने इकट्ठा किया है बहुत बड़ा मजमा है अल्लाह के फजल करम नबी पाक दा सदका फरमाए मेरा अली मेरे करीबी बस ये एक ही बात है तो उन्हें एक शेर तुम सुना लगा मैं अली करीबी जहरा पाक करीबी मौला हसन करीबी तो मौला कि बोला ठीक है जी हदीस मौजूद है सियादी कुतुब अंदर तुसी फाजल आदमी हो तो मैं तो तिफले मकतब हाँ यानी सियाद ये नहीं पे अटक पंजू ला के पिया एवं रसाला पढ़ के तुम सुना रहा मैं सियादी कुतुब जो हदीस लाओ मैं जिम्मेदार हाँ सुने सब तो करीबी कौन जिनकी मवद्दत वाजब है तो फिर मैं काला अली वल फातिमा वल अदहुमा फिर मैं फातिमा करीबी अली करीबी हसन करीबी हुसैन करीबी तो करीबी किन्ने ने सुन पे सुन लो करीबी ने किन्ने क्लोज न से हजूर नाल करीबी का मतलब है क्लोज जिनको कुर्ब हासिल हो क्लोजनेस हो जिसकी जो लागे नेड़े होवे एक किन्ने के करीबी ने फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनाल हुसैन इन्ना करीबी ये मेरे बिचो मैं दे बिचो मुबद्दत का हुक्म की है इल्लल मुबद्दत फिल कुर्बा तो कुर्बा कौन ने फरमाया हसन मेरे चो मैं हसन दे बिचो हुसैन मेरे चो मैं हुसैन दे बिचो जहरा मेरे जिगर का टुकड़ा है अली मेरा खून है अली मेरा वीर है अंता अंता अखी फिर दुनिया वाला आखिरा अंता अखी तू मेरा भरा है इत्थे भी ते आखिरत अंदर है मैं किबला नूरी साहब तां बार बार तुहानू माज़ रहता मैं मुखातब कर रहे हैं तुसी मेरे कलीग हो मेरे भाई हो मेरे दोस्त हो पुराने भाई हो मैं एक गल तुहाडे को तस्दीक करानी चाहना दस दिन गुजरे अशरा किबला अशरा गुजरे है मौला हुसैन का असी तक यह नहीं फैसला कर सके भी हुसैन साढ़ा कि शिया का है असं यही नहीं फैसला कर सके भी हुसैन है कि अच्छा जी दस दिन गुजरी अशरा जिस मौलवी ने मिंबर से बह के एक गल भी हुसैन की नहीं की उनको हक है मिंबर से बहन का नहीं वैसे जोर ना बोलो हक है कोई कोई मसले से खलोन का हक है नहीं ये मसला किसी के प्यो की जागीर नहीं ये मसला हुसैन के प्यो की जागीर हाय 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 ये मुसल्ला मौला हुसैन दे बाबे दी जगीर है बेशक ते जिदे मुसल्ले तक लोके पैसे लेने खल्ला कठियां करने ओदा नाम ही ना लवे फिर लोगों ने आखे जी मुंडे दो दो तीन तीन मुंडे बिठा फड़ा के ना मुंडे मजोल ओ बेटा ये कर नहीं करना चाहिए ये शियों का काम है मैनू लिख के दे दे भी अली शिया दा चैलेंज करके जा रहे मैं चुंग दे अंदर फिर ना चोरी सब तंग ना करना मेरे ना गल करनी ने करनी आ मैं कागज खिदमत पेश करना लहरा के मैं लिख के दे दे पहली शिया का करे मौलवी जरूरत हाय 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 मैं करो जरूरत मैं लिख के दे दे पे हुसैन शिया का लिख के दे दो दियो मौलवी लिख के मौला हुसैन उस बाद शिया दें कि बोला लिख के दे के जनाबे जहरा पाक शिया ने लिख के दे मैं कागज से राशा तारी हो जाएगा थाने उत्ते नकाहत आ जाएगी लिख नहीं सकनगे ते जे तू लिख नहीं सकदा ते बूथा ही बंद रख ले अपना ये तू लिख के नहीं दे सकदा चवले ते क्यों आना जे शिया दो कि जे किसी मुंडे बेचारे सबील ला ली शिया दा काम है जे किसी मुंडे नारा मारे ली ए शिया दा तू खुदा दा खौफ कर तू इन्ने पैसे जालमा लल्ले नहीं तेनू अजे तक तेरा पेट भर नहीं रहा इन्ना धराम दौलत ले लियो जी अली के बच्चे मुखालफ कर दे ना करेंगे सुनिया के ईमान से डाकरा मार जेड़ा तुम्हें आखे ना भी ये सारा कुछ शिया दे जी शिया दे शिया दे उन्हें आखिर मुड़ जी थोड़ा की है फिर फिर इतने मसीदी टोपी होगी बी मसीदी टोपी है कोई साढ़े सर भी इतना रह गया जो दसवें दिन दसवीं आते ना जी चांदी दसती असं सलाम फेर के ना जी फजर की नमाज पढ़ के लोगों ने यारवीं शरीफ है
मेले जो 10 रुपये कट के पाँगा कहते गौस पाक के बेसान चढ़ा दिता उन्हें मतलब यारहवीं शरीफ है दिव्य चंदा तेन किन्ने आख्या जालमा गौस पाक नूं ये तजलील है यारहवीं शरीफ ये तजलील है गौसुल आलमीन वो कहते हैं कदमी हाजे ही अला रकबत कुल्ले वली अल्लाह तुसीं दसां रुपयां दे उत्ते जनाब यारहवीं दा ना दुआ तेन किन्ने आख्या यारहवीं दुआ यार जड़ा इज्जत वाला पीर है तेन यारहवीं हर महीने याद है हाय 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 हर महीने यारहवीं याद है ते साल बाद यारहवीं वाले दे बाबे दा उर्स तेन याद नहीं नारे रिसालत नारे हैदरी हुसैनियत 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 कमली दुनिया चेते रखिया इब्राहिम दा लेला कमली दुनिया चेते रखिया इब्राहिम दा लेला भुल गई दुनिया मुहम्मद बख्शा हुसैन दा दीकर वेला नारे हैदरी यारहवीं उदो कबूल होएगी जदों मौला हुसैन खुश होएगा